ये बच्चे सबसे ज्यादा प्रश्न जो बनता है हमारा प्रतिबिंब को लेके बनता है कि प्रतिबिंब क्या होता है। पहले प्रतिबिंब को समझते हैं बच्चों, तो फिर प्रतिबिंब की दो प्रकृति है बच्चों, एक वास्तविक है और दूसरी क्या बेटा आभासी। तो बच्चों प्रतिबिंब को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर बच्चों हम प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में चलते हैं। बच्चों प्रतिबिंब क्या होता है, तो बच्चों देखो आपने देखा होगा जैसे मान लो मेरे घर में दर्पण लगा होता है, शीशा लगा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों अपना चेहरा उसमें देख लेते हैं। यानी बच्चों क्या कि हमारा जो चेहरा होता है बच्चों, या जो हमारा बच्चों चित्र होता है, वो जो जो हमको दर्पण में दिखाई देता है वही क्या होता है हमारा प्रतिबिंब होता है। यानी दर्पण में बनी आकृति क्या होती है बच्चों, प्रतिबिंब कहलाती है। तो जो प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण में बनी आकृति, दर्पण में बनी आकृति, दर्पण में बनी आकृति, बनी आकृति आकृति प्रतिबिंब कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। बच्चे जो हमारा प्रतिबिंब होता है ये भी दो तरह से होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है बेटा, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है बेटा वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर एक कौन सा प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर दो जो होता है बेटा वो कौन सा होता है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या पहले ये समझ लेते हैं। तो मोटा मोटी बच्चों आपको पहले ये समझना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है बच्चों, ये अगर प्रकाश किरणें बच्चों, अगर प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं किसी बिंदु पर, प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब बच्चों अगर वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है तो बच्चों कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में ना मिलकर, वास्तव में ना मिलकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती है, तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यानी आभास होता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, कहलाता है। अभी बच्चों आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, यार बच्चों जो आपको किरण आ रही है इसके आगे पढ़ाया जाएगा, प्रतिबिंब का बनना बिल्कुल आराम से तुमको बताएंगे कि वास्तव में कैसे मिल रही है, और बच्चों आभास मतलब क्या नाम कैसे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी मोटा मोटी इतना नॉर्मल समझो क्या कि बच्चों जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा बच्चों ध्यान देना ये हमेशा उल्टा बनता है ना, और बच्चों जो आभासी प्रतिबिंब होता है ये हमेशा कैसे बनता बेटा सीधा बनता है। जैसे आप बताओ दर्पण में हम लोग जैसे घर वाला शीशा होता है उसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वो क्या उल्टा दिखाई देता है, नहीं सीधा दिखाई देता है। अब बताओ सीधा दिखाई दे रहा है तो वास्तविक है का आभासी, मोटा मोटी आपको खुद ही समझ में आ गया होगा भैया कि सीधा दिख रहा है बच्चों तो कैसा प्रतिबिंब है, बताओ भाई कैसा है बच्चों, वास्तविक की आभासी तो आभासी है बच्चों। जहां भी तुमको प्रतिबिंब अपना सीधा दिखाई दे हमेशा समझ जाना बच्चों कौन सा प्रतिबिंब होगा आभासी, वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा दिखाई देगा बेटा उल्टा दिखाई देगा। अब बच्चों बात ये करते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में हमको और क्या ध्यान देना है, हमेशा बच्चों ध्यान रखना कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है बच्चों
आप इसको क्या पर्दे पर उतार सकते हो? तो भैया नहीं, तो बच्चों आभासी प्रतिमा को आप कभी भी पर्दे पर उतार नहीं सकते हो। देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, ध्यान समझना इस बात को, कि जो बच्चों वास्तविक प्रतिमा होता है ये कैसा होता है, हमेशा ये उल्टा बनता है। कैसा बनता है बच्चों? उल्टा होता है ना। प्रतिम जो होता है बेटा कैसा बनेगा इसका, हमेशा वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा भैया? उल्टा बनेगा। और जो इसका प्रतिम होगा बच्चों हमेशा कैसा बनेगा प्रतिम? तो प्रतिम बच्चों हमेशा कैसा बनेगा? तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा भैया? सीधा बनेगा। ठीक है, क्या आप बच्चों वास्तविक प्रतिम को पर्दे पर उतार सकते हो? तो भैया इसको पर्दे पर आप उतार सकते हो, पर्दे पर उतार सकते हो, उतार सकते हो। लेकिन बच्चों क्या आप बताओ, क्या आप आभासी प्रतिम को पर्दे पर उतार सकते हो? तो बच्चे इसको आप पर्दे पर उतार नहीं सकते हो, पर्दे पर उतार नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम लोग क्या नाम है, अब दर्पण को देखेंगे। तो आप यहां तक का दर्पण स्क्रीनशॉट क्या ले होता है सकते हैं। बच्चों? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम बच्चों। दर्पण की बात करते हैं, दर्पण बच्चों क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए। कलई मतलब भैया पेंट होता है ना, कलई कर दिया जाए तथा जो दूसरा वाला पृष्ठ है उस पृष्ठ को कौन सा पृष्ठ बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो, दर्पण कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों कि जो दर्पण होता है हमारा, दर्पण हमारा दो तरह का होता है। नंबर एक कौन सा होता है? समतल दर्पण। और जो दूसरा दर्पण है हमारा, इस दर्पण को बोलते हैं गोलीय दर्पण। प्यारे बच्चों आप लोगों को दर्पण की परिभाषा देखो ऐसे लिखनी है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है देखो यहाँ पे। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, कर दिया जाए, जबकि दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यार बच्चों हम लोग को एक बात और ध्यान रखना है कि जो ये कलई की हुई होती है, ये बच्चों कलई किसकी होती है? तो पेंट जो होता है बच्चों ये लाल ऑक्साइड का होता है। किसका होता है? ये लाल ऑक्साइड का होता है, या बच्चों इसको हम चांदी की पॉलिश भी बोल सकते हैं, चांदी की पॉलिश। तो प्यारे बच्चों हम दर्पण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो मोटा मोटी तुमको इतना तो पता ही होना चाहिए कि एक पृष्ठ पर क्या होता है बेटा, मतलब कि एक तरफ बच्चों क्या होता है, पेंट किया हुआ होता है। अब बच्चों हम लोग जब बात करते हैं बच्चों दर्पण की, दर्पण हम लोग जान ही गए। अब बच्चों दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और दूसरा दर्पण जो हमारा होता है कौन सा दर्पण है बच्चों? गोलीय दर्पण। अब बच्चों हम लोग सबसे पहले समतल दर्पण को पढ़ लेते हैं, फिर बच्चों आगे की चीजें हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे जो समतल दर्पण होता है, देखो यहाँ पे समतल दर्पण बच्चों होता क्या है? एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो बाबू? एकदम प्लेन हो, प्लेन मतलब समतल हो ना, खुरदरा ना हो, एकदम प्लेन हो। एक तरफ देखो बच्चों इस वाले पृष्ठ देखो भैया एकदम समतल है ना, आपने घर में शीशा देखा होगा। अब बताओ भैया उसका एक पृष्ठ कैसा दिखता है? एकदम समतल दिखता है ना। तो क्या बोलोगे बच्चों? एक ऐसा दर्पण
जिसका परावर्तक पृष्ठ, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण के गुण के बारे में। समतल दर्पण के गुण बच्चों, समतल दर्पण किसे बोलते हैं आप सब लोग जानते हो, जो घर में हम लोग शीशा यूज करते हैं उसी शीशा को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। बच्चों समतल दर्पण के गुण क्या है आप बताओ, हम लोग जब उसमें अपना चेहरा, मान लो ये समतल दर्पण है, आप बताओ भाई इसमें हम अपना चेहरा देखेंगे, आप बताओ हमारा चेहरा कैसा दिखाई देगा, सीधा या उल्टा, सर ऊपर और क्या नाम फेस नीचे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। यानी बच्चों जो समतल दर्पण में हमारा चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, बिल्कुल एकदम सीधा बनेगा। बच्चों क्या होता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है बेटा सीधा बनता है, और सीधा बनेगा बेटा जब भी, तो बच्चों हम लोग ध्यान रखना कैसा बनेगा बच्चों, आभासी बनेगा। तो क्या लिखोगे बच्चों, समतल दर्पण जो गुण है बच्चों, पहला गुण क्या है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ऐसा होता है भैया सीधा व आभासी होता है, सीधा व क्या होता है भैया, आभासी होता है, तैयार बच्चों जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और जब भी सीधा बनेगा बच्चों कैसा बनेगा, आभासी। सर और कैसे ध्यान रहेगा, तो ध्यान रखना बच्चों कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा दर्पण के अंदर में बनता है। तो आप बताओ क्या उसमें अपना चेहरा देखते हो तो आपको प्रतिबिंब उसके अंदर बना हुआ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता। इससे बच्चों आप गेस कर सकते हो कि जो प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा बेटा, आभासी बनेगा। अब बच्चों दूसरा बच्चों लोग बात करते हैं कि जितनी दूर वस्तु होगी उतना ही दूर क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। जितनी दूर वस्तु होगी, उतनी ही दूर प्रतिबिंब बनता है, इसका क्या मतलब बाबू आप बताओ भैया, अगर मैं दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे हूं तो मेरा प्रतिबिंब उसके अंदर दर्पण के अंदर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। अच्छा तो अगर मैं वहां पे क्या हूं थोड़ा सा और दूर चला जाऊं तो आप बताओ दर्पण में भी दिखता बच्चों की प्रतिबिंब क्या होता है, व्यक्ति और दूर क्या हुआ जाता हुआ दिखाई देता है, दिखाई देता है। या मुझे जितना दूर हम होते जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही क्या होता हुआ भैया, दूर होता हुआ दर्पण के अंदर जाएगा। बच्चों हम एकदम दर्पण के पास चिपक जाए तो प्रतिबिंब क्या लगेगा, जैसे हमारा चित्र भी एकदम लगता है जैसे चिपक जाता है पास। बात मेरी समझ में आ रही है, यानी जितनी दूर बच्चों क्या होगी वस्तु होगी उतना ही दूर क्या होगा बेटा, प्रतिबिंब बनता है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है भैया, कि जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों ये वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब सदैव वस्तु के, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एक पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना एकदम बढ़िया से। प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर बनता है, इसका मतलब क्या है आप बताओ भाई, मैं जितना बड़ा हूं क्या मेरा प्रतिबिंब को, मैं मान लो जितना बड़ा हूं मेरा प्रतिबिंब क्या वो छोटा करके दिखाएगा, नहीं, ना बड़ा करके दिखाएगा ना छोटा करके दिखाएगा, जैसा हूं बिल्कुल सेम वैसा दिखाएगा। यानी एकदम प्रतिबिंब क्या होगा मेरे, मतलब जो भी वस्तु होती है वस्तु में क्या दिखाएगा बेटा, बराबर दिखाएगा। अब बच्चों हम लोग एकदम लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमको अगर बच्चों अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि हमें दर्पण जितना होता है उसका आधा देखो बच्चों, अगर हमको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो अपनी हाइट का हमको आधा दर्पण लगाना होगा, तब बच्चों हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। यानी बच्चों अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपनी हाइट का आधा, दर्पण क्या करना पड़ेगा बच्चों, यूज करना पड़ेगा। मुझे लगता है बाबू ये आपको
चारों प्रॉपर्टी बड़े अच्छे समझ में आई होगी। ओके, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।